हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि आप अपने फेसबुक के नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको पता होगा, जब से मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम में चेंजेस किए हुए हैं, तब से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं। तो आज मैं बहुत सरल तरीके से बताऊँगा कैसे आप अपने फेसबुक का नेम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और आपको अपना फेसबुक ऐप जो है वो अपडेट कर लेना है। जी हाँ, ये अपडेट जो है वो न्यू अपडेट में सारे सेटिंग्स चेंज हो गए हैं, इसी वजह से आपको अपना फेसबुक जो है वो अपडेट करना है। यहाँ पर जाएंगे, सर्च करेंगे और फेसबुक में अगर अपडेट आया रहेगा तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा और आपको अपना फेसबुक अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इसको आपको ओपन करना है, तो कुछ इस तरह से आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हैं थ्री लाइंस है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। तो आपको नीचे तरफ जाना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपके लिए एक सिंपल सेटिंग मैं बता देता हूँ। ऊपर तरफ देख सकते हैं, यहाँ देखिए आपको प्रोफाइल है और उसके ऊपर एक सेटिंग का बटन बना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा फेसबुक मेटा का जो नया यहाँ पर सेटिंग आया हुआ है उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। देख सकते हैं मेटा अकाउंट सेंटर एक के नाम से हो गया है, पहले बहुत ही अलग तरीके से था। आपको भी पता होगा पहले बहुत सिंपल तरीका था जिसमें आप अपने नेम को ईजिली चेंज कर सकते थे, बट यहाँ पर देख सकते हैं मेटा की तरफ जो सेटिंग है काफ़ी चेंजेज हो गए हैं, अब आपको इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे अपने नेम को चेंज करना है। तो आपको अपने नेम को चेंज करना है, फेसबुक नेम को चेंज करना है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना ऊपर सी बोर्ड पर। आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है पर्सनल डिटेल, और पर्सनल डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप भी यही करते होंगे, पर्सनल डिटेल में समझते होंगे आपका नेम चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन आता है, बट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर केवल कॉन्टैक्ट इन्फो और बर्थडे और उसके बाद एंट्री कन्फर्मेशन ऑप्शन आता है, आपका यहाँ पर नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो नेम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो भी प्रोफाइल हैं वो एक साथ यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के दोनों अकाउंट यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो हमें फेसबुक का नेम चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पर हम फेसबुक नाम पर क्लिक करेंगे। तो गाइस देखें यहाँ पर आपका नेम का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट करेगा आपके नेम के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है, और इसके नीचे एक ऑप्शन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इफ़ यू चेंज योर नेम यू कांट चेंज इट अगेन फॉर 60 डेज। अगर आपने यहाँ पर अपना नेम चेंज कर दिया तो दोबारा आपको जो है 60 दिनों बाद ही ऑप्शन मिलेगा चेंज करने का। आप उसके बीच में अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपने फेसबुक नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपने नेम को चेंज कर देते हैं। तो मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस तरह से, ये मेरा नाम है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ अभी, उसके बाद दोबारा से मैं फिर से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा और उसके बाद इसको रिव्यू के लिए क्लिक कर दिया। इस तरह से आप अपने फेसबुक नेम को चेंज कर सकते हैं। वीडियो में इतना एक्सपीरियंस, वीडियो आपको सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।